और बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी की टीम लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई थी जब, और ये अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, हालांकि सिर्फ एक झलक दिखी है, सिर्फ एक सेकंड के लिए अरविंद केजरीवाल इन तस्वीरों में दिखे हैं। अरविंद केजरीवाल मुस्कुराए हैं इन तस्वीरों में। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है और यहां पेशी के साथ ही ईडी वो तमाम सबूत रखने वाली है कोर्ट में जिनके आधार पर रिमांड मिल सके। यहां ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ में आई है और उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी वो थोड़ी ही देर पहले वापस ले ली गई है। निचली अदालत में जाने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन मुस्कुराते चेहरे के साथ कोर्ट में दाखिल हुए हैं। तो ये मुस्कुराहट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, कल उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी इस वक्त कोर्ट में पेशी के लिए उनको ले जाया गया है, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी उन्होंने वापस ले ली है, तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने शायद वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने कलीग्स को ये संदेश देते हुए कि जो उनका स्टैंड रहा है कि हम पर ये कार्रवाई जबरन की गई है और किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम उसमें लिप्त नहीं है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर ईडी अपना पक्ष रखने वाली है। कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी, हालांकि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, तय समय से पहले ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंच गई है। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। पहले जिस तरीके से 7 बजे शाम में उनके घर पर पहुंची, कल शाम 2 घंटे पूछताछ हुई, घर की तलाशी ली, कई अहम दस्तावेज वहां से भी ईडी की टीम को मिले हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है जिसमें दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें ईडी अपने साथ लेकर चली गई, गिरफ्तारी हुई है। और अब बीजेपी इस बात को लेकर भी हमलावर है कि एक तरफ हो गई है गिरफ्तारी, दूसरी तरफ अपने पद पर बने हुए हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं। बीजेपी अब इस्तीफे की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी को यहीं से अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी कि आखिर क्या एंगल अब इस पूरे मामले पर, क्या कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के जिस भी नेता से इंडिया न्यूज बात कर रहा है या फिर जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हर किसी का यही कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सोच को नहीं, विचारधारा को नहीं। एक अरविंद केजरीवाल के पीछे हजारों और लाखों अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और सुबह से आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। चलिए मनोहर इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो से, रात से जो है तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। मनोहर इस वक्त लेकर के पहुंचे अरविंद केजरीवाल को और जैसा रचना ने भी बोला, मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त एंटर होते हुए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ ही क्षण पहले अरविंद केजरीवाल को राउज कोर्ट में लाया गया है और इस राउज एवेन्यू कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अब ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से रिमांड मांगना है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन तक ईडी जो है सो अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर कोर्ट से मांग सकते हैं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट के 512 नंबर जो कोर्ट है, जो रूम नंबर 512 है, जिसके जज कावेरी बावेजा है, वो इस केस की सुनवाई करेंगे। पीएमएल कोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ है और पहला कहा जाए इस केस की वो हियरिंग करने जा रही है। इससे पहले मैं बता दूं कि कावेरी बावेजा का जो इतिहास रहा है, वो उन्होंने जो जजमेंट दिया था 2014 में, एक बलात्कार का केस हुआ था उबेर वाले मामले में जिनमें उम्र कैद की सजा भी उसने सुनाई थी, तो उसके बाद उसी के कोर्ट में ये मामला लगा हुआ है। इससे पहले अब तक जो शराब नीति घोटाले की सुनवाई हुई है वो जज एमके नागपाल थे जिनका जो है सो ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद आज बावेजा इसके केस की सुनवाई करने जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज ईडी ने जो कमर कसी है, जो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें मनी ट्रेल को लेकर के, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने रखने वाली है और उसके बाद ये मांग करेंगी कि हमें रिमांड चाहिए, क्योंकि अब तक 16 लोग जो है सो इस पे गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 को सरकारी गवाह बनना पड़ा है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो ईडी इनसे पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से, कुछ मिनट पहले ही बस कोर्ट में ले जाया गया है, जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, चूंकि अब मुश्किलें बढ़ना तय समझा जा रहा है। ईडी ने सबूत पक्के कर लिए हैं, ईडी ने जो घर में तलाशी ली, कल पूछताछ की, अब तक की जांच में जो सामने आया और आज सुबह फिर से जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, उन सभी से सबूत इकट्ठा करके एक लिस्ट ईडी ने बना ली है जो आज कोर्ट में ग्राउंड यानी कि आधार मजबूत किया जाएगा कि क्यों हमें अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए। मुझे बताइए जब कोर्ट पहुंचे
किस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्या उन्होंने मीडिया से बात की, क्योंकि ये जो गैलरी के अंदर की तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें बहुत मुझे लगता है 1 से 2 सेकंड ही अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, इसमें लास्ट में बिल्कुल एंड में मुस्कुराते हुए दिखे हैं। क्या आपने बातचीत की कोशिश की, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज और उनकी मुस्कुराहट से एक बात साफ नज़र आ रहा है कि जो कार्यकर्ता उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस बात की थोड़ी सी भी ये नहीं है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, या ये हो सकता है कि अभी लोकसभा चुनाव है तो गेस्चर देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कि वो लड़ाई जारी रखें, इसलिए उनकी मुस्कुराहट देख। सौरभ भारद्वाज थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। देखिए, उसी का है कि वो जो मनोबल कार्यकर्ता का है, सुबह से ही, कल देर रात से ही कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 10 बजे से ही देश भर में कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है और उन लोगों को डिटेन करके पुलिस ले गई। मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूं, ये राउज एवेन्यू कोर्ट है और यहां से कुछ ही फासले पे आप देखिए वो जो सामने बैरिकेडिंग आपकी दिख रही है, वहां से राइट अगर आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहां से आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को डिटेन किया गया, बस में भर करके पुलिस जो है सो आउटर दिल्ली अलीपुर थाने ले गए और वहां से ही उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं थाने के अंदर। वो वही नजारा है जो 2011 और 2013 में देखने को मिल रहा था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बैनर के तले प्रोटेस्ट कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के, और अब जो है सो भ्रष्टाचार मामले में खुद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो ईडी का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, उसमें आप देखिए जो 100 करोड़ की बैकिंग हुई है उसमें किस तरह से साउथ लॉबी के लोगों को जिक्र किया गया है, किससे कितना रुपया मिला हुआ है, किस तरह से ट्रांसफर किया गया है, अब जो मनी ट्रेल का सबूत है, इन सब को लेकर के दिखाते हुए ईडी जो है सो कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। अब देखना होगा कि जब कावेरी बावेजा इस केस की सुनवाई शुरू करती है तो दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी।